के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 18 अगस्त को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्री सूर्यकुंड धाम मंदिर में दर्शन एवं विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास एवं लोकार्पण। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने कहा कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर पूरी है तैयारी, नहीं होने देंगे जनधन व पशुधन की हानि। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की मंडली समीक्षा बैठक, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, किया वृक्षारोपण, कहा यात्री सुख सुविधा में बढ़ोतरी के साथ हम अपनी कार प्रणाली में भी सुधार एवं आधुनिकरण की ओर निरंतर हैं अग्रसर। मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडली समीक्षा बैठक, कहा मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत कोई भी व्यक्ति पाल सकता है छुट्टा पशु, मिलेंगे प्रति पशु 30 रुपए प्रतिदिन। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने किया उन्हें याद, श्रद्धा सुमन अर्पित कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की अध्यक्षता में संपन्न हुई मानसून एवं संभावित बाढ़ के दृष्टिगत बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक, कहा आपदाओं से निपटने के लिए क्या करें क्या न करें का व्यापक प्रचार प्रसार होने से जनधन की हानि को किया जा सकता है कम। रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षु महिला आर्चियों को एसएसपी ने पढ़ाया तकनीकी ज्ञान के साथ साथ कानून का पाठ, कहा प्रशिक्षु आर्चियों को टेक्निकल ज्ञान के साथ दिया जा रहा है यूपी कॉप ऐप की जानकारी। बदलते मौसम में वायरल फीवर का फैला है प्रकोप, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा बुखार चढ़ने के बाद तत्काल डॉक्टर की ले सलाह, साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। और गोरखपुर क्लब में लगाई गई फर्नीचर इंटीरियर डेकोर फैशन नेबुल कपड़ों की प्रदर्शनी, खरीदारों को कर रही आकर्षित, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी।